नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का आदेश। बचे हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सप्ताह में दो दिन चलेगी पटना आनंद विहार समर स्पेशल ट्रेन। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार खिलाड़ी आईपीएल 2023 से हुए बाहर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। राज्य में 25 मई को जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3522 पदों के लिए होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर आज यानी कि बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जो कि 9 मई तक चलने वाली है। यानी कि अभ्यर्थी आज यानी कि 3 मई से लेकर 9 मई तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। बता दें कि नामांकन का समय 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई के बीच होगी। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वह 15 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान की तिथि 25 मई निर्धारित की गई है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं मतगणना का कार्य 27 मई को किया जाएगा। मालूम हो कि आयोग के अनुसार मतगणना प्रखंड मुख्यालय में सम्पन्न कराए जाएंगे। 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का आदेश। बिहार के पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में तथा कथित अंकों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर संगीता कुमारी की रीट याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को यह आदेश दिया गया है कि 3 सप्ताह के अंदर उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं की सूची कोर्ट में पेश की जाए जिस पर कुल प्राप्तांक मुख्य परीक्षक द्वारा बढ़ाया या घटाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया के आयोग की ओर से अब तक उत्तर पुस्तिका में किए गए छेड़छाड़ को लेकर लगाए गए आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 26 जून 2023 को की जाएगी। आईआईटी पटना में स्थापित होगा सुपर कंप्यूटर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना में 20 करोड़ रुपए की लागत से सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर बीते दिन मंगलवार को आईआईटी पटना और सीडे के बीच MOU भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। मालूम हो कि आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर TN के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर लग जाने से 833 टेराफ्लॉप 1 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के साथ डेटा की गणना भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए उच्च स्तर की डेटा गणना को भी बढ़ाएगा। बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए देश के 9 संस्थानों में से आईआईटी पटना को भी चयनित किया गया है। बुद्ध जयंती के शेष 2 दिन, अब तक ये हुई है तैयारियां। 5 मई को बुद्ध जयंती है, ऐसे में बिहार के बोधगया में स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को सजाने के कार्य की शुरुआत BTMC के द्वारा कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मई को होने वाले बुद्ध जयंती पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोजन, रहने, खाने पीने सहित अन्य सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध की जा रही हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को भी कड़े रखे गए हैं। मालूम हो कि महाबोधि मंदिर के साथ साथ विभिन्न बौद्ध मठों को भी सजाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं 5 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर महाबोधि मंदिर में विशेष अनुष्ठान और विश्व शांति प्रार्थना के साथ 2567वीं बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही जयंती को लेकर कालचक्र में विशाल पंडाल भी लगवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर शामिल होंगे। बचे हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बीते दिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1,78,000 पदों पर बहाली की घोषणा की गई है। वहीं इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट के जरिए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र अथवा किस राज्य में एक दिन में एक ही कैबिनेट में क्रमशः 1.78 लाख एवं 75,000 नौकरियों को मंजूरी देकर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। बिहार सरकार ने विगत महीनों में हजारों नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ साथ 2.70 लाख से अधिक पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही उन्होंने अंत में यह भी लिखा है कि स्पष्ट इरादे पूरे होते वादे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन मई महीने तक आने की संभावना है। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 92 नए मरीज।
प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 92 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 825 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले इन 92 नए मरीजों में से अकेले बिहार के राजधानी पटना से कई मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 378 पर पहुंच गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 53, पूर्णिया में 53 और खगड़िया में 61 एक्टिव केस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते दिन कुल 31,000 सैंपलों की जांच की गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 3,325 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 44,175 हो गई है। सप्ताह में दो दिन चलेगी पटना आनंद विहार समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे की ओर से गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है, जिसमें एक ट्रेन पटना आनंद विहार समर स्पेशल ट्रेन भी है। मालूम हो कि अब इस ट्रेन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके तहत यह ट्रेन अब हफ्ते में एक दिन चलने के बजाय दो दिन चलेगी। बता दें कि अब यह गाड़ी संख्या 04066 आनंद विहार पटना सुपर फास्ट एसी स्पेशल एक्सप्रेस दिल्ली से हफ्ते में सोमवार और गुरुवार को चलेगी, और गाड़ी संख्या 04065 पटना आनंद विहार सुपर फास्ट एसी स्पेशल एक्सप्रेस पटना से हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार से खुलेगी। मालूम हो कि इस ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से 1 मई से हो रही है, जो कि 29 जून तक चलेगी, और पटना से इस ट्रेन की शुरुआत 2 मई से हो रही है, जो कि 30 जून तक चलेगी। सीयूईटी देने वाले छात्रों को मिली राहत। अगर आप भी CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल इस बार छात्रों को इस परीक्षा में काफी राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार होने वाली परीक्षा को लेकर NTA के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। मालूम हो कि इस बदलाव के तहत इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अधिकतम 4 पेपर ही देने होंगे, जबकि पिछली बार यह संख्या 6 थी। वहीं NTA के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा एक दिन में 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट 3 घंटे की, दूसरे शिफ्ट 2 घंटे की और तीसरे शिफ्ट 1 घंटे की होगी। आनंद मोहन से मिलने को लेकर बोली दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी। एक तरफ जहां बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद अपने बेटे की शादी में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी रिहाई को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल उन्होंने आनंद मोहन से मिलने को लेकर कहा कि अब इस मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन से लड़ने की ना तो टाइम है और ना ही धैर्य। वह जेल में रहे या बाहर रहे, उन्हें क्या कोई कमी है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम लड़ तो नहीं सकते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ कोई व्यक्तिगत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कराई है। जिन्होंने याचिका कराई है वह IAS अफसर है और वही लड़ रहे हैं। नवीन पटनायक से मिलने अब ओडिशा जाएंगे सीएम नीतीश। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की जीतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अपनी इस पहल को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सीएम नीतीश ने कई विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं अब मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने ओडिशा जा सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चल रही खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ओडिशा 5 मई को जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से होगी। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर भड़के पशुपति पारस। बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के द्वारा सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार का सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो वह नीतीश कुमार है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार का डबल स्टैंड है। पहले कहते थे कि अगर शराब पीने से किसी की मौत होती है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा, पियोगे तो मरोगे, लेकिन अब वह शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पासी समाज का मौलिक अधिकार छीन लिया है। उनका मौलिक अधिकार ताड़ी बेचना है और यही उनकी आय का जरिया था। नीतीश कुमार को यह स्पष्ट बताना होगा कि आखिर उनकी मंशा क्या है। 2005 में सीएम बनने के बाद घूम घूम कर शराब की दुकान खुलवाई गए थे। उन्होंने पहले नौजवानों को शराब पीने की आदत दिलवाई और अब फिर शराब बंदी कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसे शिक्षा मंत्री। जब से बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आने की खबर आई है, तब से बिहार में लगातार राजद के नेताओं के द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। बता दें कि अब ताजा मामला शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का है। दरअसल अब शिक्षा मंत्री के द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है
कि बागेश्वर बाबा के तिलस्म व हवा को सुहानी शाह ने पास कर दिया। उन्होंने कहा कि अधर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं और इनके खिलाफ संघर्ष है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन अगर वह गंदे काम करने यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री के द्वारा आडवाणी की बात करते हुए कहा गया था कि अगर नफरत फैलाने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे तो और लोग भी जाएंगे। बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां उनके आने का राजद के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं के द्वारा उनका खुलकर समर्थन किया जा रहा है। वहीं अब उनके समर्थन करने के लिस्ट में VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल आज उनके द्वारा एक बयान देते हुए कहा गया है कि बिहार में सबका स्वागत किया जाता है, इसलिए वह बिहार में आए, घूमे, देखे और फिर बिहार के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो बिहार का भला करें। आपकी जानकारी के बता दें कि इससे पहले भी कई नेताओं के द्वारा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में बोला गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार खिलाड़ी IPL 2023 से हुए बाहर। IPL 2023 लखनऊ सुपर जायंट्स आज यानी कि बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना मुकाबला खेल रहा है, लेकिन इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को जोरदार झटका लग चुका है। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार खिलाड़ी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट बाएं हाथ में कंधे में चोट के कारण IPL 2023 से बाहर हो गए हैं। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार जयदेव उनादकट को रविवार को नेट्स पर अभ्यास करने के दौरान बाएं हाथ के कंधे में चोट लगी थी। उनादकट ने नेट्स पर अपनी गेंद डाली जब उनका पैर रस्सी में अटका और वो गेंदबाजी करने वाले हाथ के बल पर गिर गए। इसके बाद उन्हें कंधे पर बर्फ की सिकाई करते हुए देखा गया और यही कारण है कि वह IPL 2023 से बाहर हो गए हैं, लेकिन WTC से पहले उनके फिट होने की संभावना जताई जा रही है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, मुटु रंगीला, रवि कुमार राम, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार, नौसद राजा, अजीत पोरस, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जयदेव उनादकट के बाहर होने से IPL 2023 के 16वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स पर क्या असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।